जितनी भी लीला श्री ठाकुर ने ब्रजधाम में ब्रजवासियों के साथ की है, उन सभी लीलाओं का एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण का यही था कि इन सब ब्रजवासियों का मन संसार से हटकर के मेरे चरणों में लग जाए। भगवान यही चाहते थे ब्रज की इन लीलाओं के माध्यम से भक्ति क्या होती है वो भगवान समस्त जगत को सिखा रहे हैं। ब्रज के लोगों ने भगवान से प्रेम किया है, भगवान की पूजा नहीं की। प्रेम क्या है, सबसे पहला प्रश्न। ये प्रश्न जितना छोटा है उतना ही गंभीरता को लिए हुए है। इस प्रश्न के समाधान में हजारों वर्षों से लाखों महात्मा महापुरुषों ग्रंथों ने अपनी अपनी अनुभूतियां अनुभव एक्सपीरियंस गाया है, अपनी अपनी अनुभूतियां बताई है। आज वर्तमान में बाह्य अशिष्टता को ही प्रेम का नाम दे दिया गया है। आज ऐसा समय है कि एक सभ्य व्यक्ति अपनी जिह्वा से प्रेम शब्द को जुबान पर लाने में थोड़ा संकोच का अनुभव करता है। एक अनजान सी लज्जा उसे महसूस होती है, क्योंकि इस शब्द को पूर्ण रूप से पूरी तरीके से बदल ही डाला गया। प्रेम से प्यारा, प्रेम से पवित्र और प्रेम से मूल्यवान इस शब्द में दूसरा और कोई नहीं है। प्रेम परम पवित्रता को धारण किए हुए है। किसी ने कहा तो फिर बताइए ना प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम कहते किसको है, तो कहा कि जब तक कहने की स्थिति आपकी बनी हुई है तब तक समझिए आपको अभी प्रेम की अनुभूति नहीं हुई है। बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। आज की जो कथा है मैं उसकी भूमिका थोड़ा सा तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आप जिस कथा में आज प्रवेश करने जा रहे हो वो कथा इस जगत से परे की कथा है, तो उसके लिए पहले भूमि भी उतनी ही उपजाऊ चाहिए, तभी तो उस पर खेती हो सकती है। मन भी तो प्रेम से भरा होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जब तक प्रेम को बताने की स्थिति आपकी है, प्रेम की अगर आप डेफिनेशन बता पा रहे हैं, इट मींस कि आपने अभी तक प्रेम को अनुभव ही नहीं किया है। क्योंकि जब प्रेम अनुभव होता है तो नारद जी नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं मुंह का स्वादनवत, प्रेम कैसा है गूंगे के जैसा। गूंगा समझते हैं ना, जो बोल नहीं सकता है। तो अगर आप जो बोल नहीं सकता उसको कह दीजिए कि चलो बताइए प्रेम क्या कहते, प्रेम किसको कहते, उसके पास शब्द ही नहीं आवाज ही नहीं तो कैसे बोलेगा। प्रेम भी एक मुंह का स्वादनवत, डूबे सो बोले नहीं। संत कह रहे हैं डूबे सो बोले नहीं, जो बोले सो अनजान। मतलब पानी में जब तक ऊपर ऊपर तैर रहे हो तब तक आप बात कर पाओगे, लेकिन जब पानी में डूब जाओगे तो बोलने की स्थिति हट जाएगी। अब आप पानी में डूब चुके हैं, नाउ यू कैन नॉट स्पीक अ वर्ड, यू कैन नॉट से अ सिंगल वर्ड, डूब चुके हैं आप उसमें। डूबे सो बोले नहीं और बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान।
कि इस प्रेम में जो डूबा उसी ने इस प्रेम को समझा, उसी ने इस प्रेम को जाना। कहा कि अच्छा तो ये बताइए कि अगर किसी को प्रेम हो जाए तो उसकी दशा कैसी होती है, कैसा उसको कोई दिखने में परिवर्तन आता है, कोई शक्ल बदलती है, क्या होता है उसके साथ। तो कहा प्रेम दीवाने जो भय कहे अटपटे बैन, कबहू मुख हंसी छूटे और कभी टपके नैन। ये प्रेमियों की पहचान, मतलब कभी हंसी छूटे, कभी एक पल में तो बड़ी जोर से ठाके मार के हंसने लगता है, मानो पागल हो गया, बावरा हो गया। लोग कहेंगे पागल है क्या, बिन बात हंस रहा है, पर वो बिन बात नहीं हंस रहा, उसकी वहां से कोई कनेक्शन हुआ है, कोई बात उसको लगी है तब हंस रहा है। तो कबहू मुख हंसी छूटे, अभी हंस रहा है, एक पल बाद देखोगे तो उसकी याद में रोने लगेगा, आंखें भीग जाएंगी, आंखों में से झरने बहने लगेंगे। ये बात बिल्कुल सच्ची है कि प्रेमी भी एक किस्म का पागल होता है। बड़ी अजीब बात है, प्रेमी की ये पहचान है। पागल और प्रेमी में बस थोड़ा सा ही फर्क है। एक पागल प्रेमी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक प्रेमी पागल होगा ये जरूरी है। एक प्रेमी जो होगा वो पागल होगा, वो बावरा होगा। लोग कहे मीरा भाई बावरी, पागल बनाया। ये प्रेमी की पहचान है। ब्रज में जितने भी है इंसान छोड़ दीजिए, ब्रज की गाय भी श्री कृष्ण से बिना शब्दों के प्रेम करती है और बातें भी करती है। ऐसा नहीं कि वो कृष्ण से बातें नहीं करती, उसकी बातें भी होती है कृष्ण से।